गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक आर्ट खुरपा में। साथियों, आपने कब कब ऑनलाइन क्लास लिए हैं, इसके जानकारी के लिए हम cgschool.in में कैसे देखें, इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षक साथियों, आपको पता है, आप सबसे पहले cgschool.in में लॉगिन करते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, जैसा कि मैं यहां अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, और साथ में डालते हैं हम अपना पासवर्ड। मेरा पासवर्ड यहां शो नहीं करेगा। उसके बाद हम चलते हैं मेनू पे। मेनू में हमें मिलता है यहां पर डैशबोर्ड, और इस प्रकार आइकन खुलेगा। यहां देखते हैं अब तक की ऑनलाइन कक्षाएं, इसको हमने इस प्रकार से क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद हमें अब तक की ऑनलाइन कक्षाएं दिखाई देंगी। देखिए यहाँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जैसा कि मैंने क्लास 5 के पर्यावरण पार्ट लिया है, तो यहाँ 11,851 जो लिखा है उसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ देखते हैं कि हम सबका नाम अल्फ़ाबेट ABCD के हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ तारीख के हिसाब से नहीं, बल्कि नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा हुआ है। अब इस अल्फ़ाबेट में देखते हैं, जैसे कि मेरा नाम दीपक कुमार है, तो यहाँ देखते हैं ए से है, तो मैं पेज नंबर 10 आगे बढ़ के देखता हूँ कि वहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट से नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखने से पता चलता है कि अभी इस पर भी डी नहीं है, बी है, तो मैं फिर 14 नंबर का पेज क्लिक करता हूँ, फिर आगे बढ़ के देखता हूँ। यहाँ भी हम पहुँचे हैं डी, और सबसे नीचे जा के देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे नीचे में हमको DEE दीपक कुमार तो मिला, लेकिन इससे आगे और देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दीपक कुमार ध्रुवंशी ये लिखा हुआ है, जो मैंने अभी तक क्लास पर्यावरण में लिए हैं, क्योंकि अभी मैं 5वीं पर्यावरण का चेक कर रहा हूँ। और इधर बाजू में लिखा हुआ है कि मैंने कब कब कक्षाएँ ली हैं। इस प्रकार आप अपना नाम cgschool.in में देख सकते हैं, और निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने जो क्लास लिए हैं उसका लिंक यहाँ शो हो रहा है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में बताएं आपको और क्या जानकारी चाहिए। थैंक यू।